हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है और इसके साथ ही साथ डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिसकी हेल्प से आप मात्र 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी आपके पास अगर बाइनरी नंबर सिस्टम दिया होगा तो उसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको जानने से पहले सबको एक बात जाननी जरूरी है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उस डेसिमल नंबर सिस्टम के जो बेस में होता है वो 10 होता है। इसी तरीके से जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस में 2 होता है। तो आप इस तरीके से कोई संख्या दी गई होगी, अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो है हमारा एक प्रकार का डेसिमल नंबर सिस्टम है। और अगर आपके पास 2 दी गई होगी तो आप ये समझ जाएंगे कि ये हमारे पास एक प्रकार की बाइनरी नंबर सिस्टम दी गई है। आपको कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है? आपको ट्रिक ये इस्तेमाल करना है कि 1 से फिर 2 में मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर देना, 4 से 8 में मल्टीप्लाई कर देना, 8 में 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से चलेगा आपका, ठीक है। यूज कैसे करेंगे इस ट्रिक का, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक क्वेश्चन है कि 10011, ये कोई आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है। अब हम पूछे इसका कि अगर आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप नॉर्मल लिख लीजिए 10011, यही हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसके नीचे वो वाली संख्या लिखने स्टार्ट कर दीजिए। वो वाली संख्या कौन सी है सर? 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 का 4, 2 का फिर से आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ठीक है। आपने इस तरीके से लिख लिया। और अगर आपके पास नंबर रहता तो 16 का फिर 2 में मल्टीप्लाई कर 32, 32 का 2 में मल्टीप्लाई करते 64, ठीक है। अब जिसके ऊपर 0 है उसको काट दीजिए। जैसे 4 के ऊपर 0 है आपने इसको काट दिया, 8 के ऊपर 0 है आपने इसको काट दिया, बाकी जितनी संख्याएं बची आप इसको जोड़ दीजिए। तो 16 17 18 और 1 19, यानी कि आपका ये कौन सी संख्या है? 19 है, जिसके बेस में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 क्या है? आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये आपका 19 निकल के आ चुका है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया। आइए और एक और क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 1000, तो आप इसको क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? तो सबसे सिंपल बात यह है कि आपको वो चीज उतार लेनी है। तो आपने लिख लिया 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर उसके नीचे आपको क्या करना है? यही वाला मल्टीप्लाई का ट्रिक लगाना है। 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। फिर हमको क्या करना है? सिंपल काट देना है। जिस संख्या के ऊपर 0 है उस संख्या को काट देना है। 0 वाले संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको काट दिया, बचा कितना? 8 बचा। तो सिंपल आपका आ गया आंसर 8, और इसके बेस में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई। 5 नंबर आराम से आप निकाल सकते हैं। कोई भी बाइनरी संख्या आपके पास दी गई होगी आप इस तरीके से करके आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाली ट्रिक आप समझ गए होंगे। अब आपके पास दूसरा ट्रिक आने वाला है, वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करोगे। जैसे कि 16 है, 16 के बेस में 10 है, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का आपका, तो 16 एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट आपका? तो कौन सी संख्या है 16? तो 16 आपकी संख्या है डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है, जिसके बेस में 10 है। हमको कन्वर्ट करना है इसको बेस में 2 वाले में, ठीक है। बस सिंपल आपको क्या करना है, वही चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो आप लिख लो, क्या लिखोगे कि 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया 8, 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया 16, ठीक है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ करके 16 बनाया जा सकता है। तो आपने ये देखा कि सिर्फ 16 को ही जोड़ करके हम 16 बना सकते हैं। अगर हम 8, 4 और 2, 6 और 1, 7 और 8, 8, 7, 15 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ 16 के नीचे 1 लिख दूं, बाकी सबके नीचे अगर मैं 0 लिख दूं, तो आपका ये क्या निकल के आ गया स्टूडेंट? आपका ये बाइनरी निकल के आ गया। कितना सिंपल है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 19 है आपके पास, तो 19 वाले के पास भी फिर से वही लिखिए आप। 1, फिर 2 एक में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। अब आप देखिए कि किसको जोड़ करके 19 बनाया जा सकता है। तो आपको पता है कि 16 को जोड़ देंगे और फिर 17, 18 को जोड़ देंगे, फिर 1, 19 को जोड़ देंगे, तो सिर्फ इन तीनों को ही जोड़ करके हम 19 बना सकते हैं। बाकी और कोई है जिसको जोड़ करके हम 19 बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो जिसको जिसको जोड़ करके हम 19 बना सकते हैं उसके ऊपर 1 लिख दीजिए, जिसको जोड़ करके 19 नहीं बनाया जा सकता उसके ऊपर 0 लिख दीजिए, बन गया संख्या।
16 के ऊपर 1 लिख दीजिए, 8 के ऊपर 0 लिख दीजिए, 4 के ऊपर 0 लिख दीजिए, 2 के ऊपर 1 लिख दीजिए, 1 के ऊपर 1 लिख दीजिए, तो ये आपका बन गया है क्या, एक्चुअली में ये बन गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। कितना आसान है आपका कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। बाकी का ये 32 वाला और 8 वाला आप सभी स्टूडेंट इसको HW में नोट कर लीजिएगा और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डेली आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वीडियोस आएंगी।